दो रीजन आपने बाइक क्यों ली और ऑनरोड प्राइस इसका क्या पड़ता है, किस तरह से डिफरेंट है बाकी एडवेंचर सेगमेंट की बाइक से। सो व्हाट्स फ्रेश एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, एज यू कैन सी कि मैं अभी हो रहा हूँ रेडी और हम जा रहे हैं मोनू भाई की जो बनेली है TRK 502 उसके डिलीवरी के लिए गुड़गांव से नोएडा। तो आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्यों? क्योंकि इस बाइक का मुझे भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ। आई हर्ड सो मेनी गुड थिंग अबाउट दिस बाइक और मैं पर्सनली चाहता था कि यह बाइक हमारे ग्रुप के अंदर ज़रूर आए। और आज एडवेंचर सेगमेंट की बाइक है तो एक ग्रुप में एक ऐसी बाइक होनी चाहिए जो डिफरेंट कैटेगरी की बाइक हो। तो आज मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद हम जाएंगे सीधा नोएडा, वहाँ पर बनेली के शोरूम से TRK 502 की हम डिलीवरी लेने वाले हैं। उसके बाद हम जाने वाले एक छोटे से स्पिन पे और उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोनू भाई से कि उन्होंने इस बाइक को क्यों सेलेक्ट किया, वो क्या बेस्ट चीज़ें थी इस बाइक के बारे में जो उनको पसंद आई और साथ ही साथ इस बाइक को उन्हें प्राइस क्या मिलने वाला है। और आप मुझे बताओ अब तक कमेंट्स में कि दोनों में से कौन सा AGV एडिशन हम लेकर आया स्पेशल दिन में, K5 या K1। मुझे पर्सनली K1 ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें जो मज़ा आता है, इसका जो लाइट वेट है और जो इसकी बिल्ट है वो मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि इन दोनों की इंडिया में मुझे प्राइस क्या पड़ी है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आप इंजॉय करो सिनेमैटिक्स डिलीवरी के। पीछे आप देख सकते हैं मोनू भाई अपनी बाइक पे। एक बारी मैं मोनू भाई की बाइक जो है, जो बेसिकली एडवेंचर बाइक है TRK, उसका भी आपको मैं एक लुक दिखा देता हूँ कि उसकी वाइब कैसी लग रही है। संडे का दिन है, बढ़िया मौसम और ये TRK हमें ओवरटेक करके जाती हुई एग्जॉस्ट की साउंड यस सुनने को मिल रही होगी आपको। आई एम लविंग इट, जो रमलिंग हो रही है वो बहुत बढ़िया है। तकरीबन 300 किलोमीटर हमने बाइक को ऑलरेडी चला लिया है तो अभी तक का एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है और मोड्स कराने के बाद तो ज़्यादा सेफ फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि अगर बाइक कहीं गिरती भी है तो मोनू भाई की बाइक। आज हमने अपने राइडिंग शूज़ भी ले लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इनका भी आज फर्स्ट डे है, इनका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दिस इज़ फ्रॉम राइडा। पर्सनली मुझे लगता है एडवेंचर बाइक्स एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। जैसे अगर आप, मैं पीछे देख पा रहा हूँ रियर व्यू मिरर में मोनू भाई को, तो एक अलग ही, मतलब एक अलग ही टोरा दिखता है यार इन बाइकों का। मतलब आई एम पर्सनली लविंग इट। जो ये बाइक्स होती है एडवेंचर बाइक्स, काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी ह्यूज होती है, बल्की होती है, बट दे डू हैव सम ग्रेट फिनिशिंग। जो ओवरऑल प्रोडक्ट बना होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है, देखने में बड़ा मज़ा आता है यार। मतलब आई विश कि मैं भी इस तरह की एडवेंचर बाइक चला पाता, बट समहाउ मेरे साथ कनेक्ट नहीं होती है एडवेंचर बाइक्स। मुझे लगता है कि जो बाइक्स रफ एंड टफ यूजर्स के लिए बनी है, कहीं ना कहीं शायद मे बी इन फ्यूचर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, बट समहाउ अभी के लिए आई एम इनटू स्पोर्ट्स बाइक। मेरे को स्पोर्ट्स बाइक्स ही पसंद है और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी जो रियल वाइब है वो इसी के अंदर ही है। और संडे राइड्स पे बाकी लोग भी जाते हुए मतलब मज़ा आ रहा है यार मोनू भाई की बाइक को देखकर। अलग ही स्वैग है इस बाइक का यार, बड़े रोड प्रेजेंस। दिस इज बिग, दिस इज बल्की, दिस इज ब्लैक, दिस इज किलर मैन।
आ गए हैं अपने स्पॉट पे जहाँ पर हम नॉर्मली शूट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ फोटो शूट्स और वीडियो शूट करते हैं, कुछ सिनेमैटिक्स लेते हैं और फिर आगे का प्लान बनाते हैं। मोनू भाई की बाइक, थोड़ी देर मोनू भाई से बात करते हैं, शूट करते हैं और नेक्स्ट सीन सेट करते हैं। बाइक की लुक्स देखो यार, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। आई एम श्योर कि एडवेंचर जो सेगमेंट है उसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है ये। अमेजिंग, दिस इज़ रियली अमेजिंग। सो मोनू भाई, बाइक तो एक नंबर लग रही है यार, देखो क्या लुक्स आ रही है बाइक की, बट एडवेंचर के हिसाब से मुझे लगता है कि पर्सनली जो इसकी लुक्स है, जो इसकी रोड प्रेजेंस है, भी मैं रोड पे भी देख रहा था जब मोनू भाई साथ में ड्राइव कर रहे थे, लोग देख रहे हैं रोड प्रेजेंस है इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मोनू भाई आप मुझे बताओ, दो रीज़न आपने बाइक क्यों ली और ऑन रोड प्राइस इसका क्या पड़ता है, किस तरह से डिफरेंट है बाकी एडवेंचर सेगमेंट की बाइक से? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इससे पहले 390 ड्यू चला रहा था, तो उसके बाद इस पावर उस मतलब मैं उससे ज़्यादा पावर में नहीं जाना चाह रहा था, बट उस पावर की रेंज में जितनी भी बाइक थी सारी 10-12 लाख के आसपास की थी, तो इतना मेरा बजट नहीं था। सबसे पहले ये जो इसका बजट है वो बहुत फ्रेंडली है, मतलब लाइक पॉकेट फ्रेंडली है, ये मुझे ऑन रोड 7 लाख के आसपास पड़ी है। एंड इसकी जो दो तीन खास बात है वो है इसका राइडिंग पोस्चर, इसका एग्रेसिव लुक, जो कि रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, और मुझे लाइक जनरली जो लगा इस बाइक को चला के, मतलब अमेजिंग फील है इसका, मतलब आप कितना भी लॉन्ग ड्राइव पे इसको लेके जा सकते हो और आपको टायर्डनेस फील नहीं होगी। फ्यूल टैंक इसका बहुत बड़ा है, हाइट जनरली क्या है, ADV बाइक्स की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, अप्रॉक्स 800 mm के आसपास होती है। बेनेली ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है कि इसकी हाइट इन्होंने कम कर दी है 2024 मॉडल में, सो दिस इज 790 mm। सो ये सब रीजंस हैं जो मैंने इसको लिया है, और सबसे बड़ी बात ये ट्विन सिलेंडर है। वाओ, तो मतलब आवाज़ भी इसकी बहुत अमेजिंग है। हाँ, आवाज़ तो मैंने भी सुनी, आवाज़ मतलब एकदम किलर, इसकी जो आवाज़ है ना भाई मज़ा आ जाता है रोड पे सुनते हैं अपनी, क्योंकि मेरी बाइक में तो अभी एग्जॉस्ट लगा, बट मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ अगर मोनू भाई इस बाइक में एग्जॉस्ट लगा ले तब क्या ही बवाल काटने वाली है यार ये बाइक। श्योर कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन ड्राइव सेफ, कीप सेफ। और पीछे मोनू भाई अभी भी अपने कुछ सिनेमैटिक्स लेते हैं बाइक के साथ, बाइक बहुत प्यारी लग रही है एज यू कैन सी इट। सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।